गहरे पानी में उतरन से मिलता है मोती वाला सीप और लक्ष्य विहीन से जीवन में आ जाती है मंजिल समीप। दोस्तों, मेरा नाम अमित गौतम है, मैं नोएडा से आया हूँ। वैसे मेरा ताल्लुकात लखनऊ से है, तो अगर लखनऊ मिले कुछ शायरी में तो दाद दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले दो कविताओं से शुरू करूँगा। तो पहली कविता है कर्तव्य पथ। ये मैंने तब करी थी जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी इंजीनियरिंग की, उसके बाद जॉब नहीं लगी थी, मेरी मदर का इंतकाल हो गया था, तो थोड़ा दुखी था, तो अपने को मोटिवेट करने के लिए लिखा था। तो सुनिएगा, कर्तव्य पथ पर चलते चलते रुकना जाना ऐ राही, हार मानकर हालातों से बैठ न जाना ऐ राही। क्षणिक विजय या दीर्घ हार से विचलित तू क्यों होता है, क्षणिक विजय या दीर्घ हार से विचलित तू क्यों होता है, तुझको उस पर चलना है जो तेरा है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जो तेरा है, कर्तव्य पथ जो तेरा है, शायद इतना ना आसान हो, निर्भीक भाव से चलते चलते उसको सहज बनाना है। तत्पर तत्पर संभल संभल कर एक एक कदम बढ़ाता चल के तुझको उस पर चलना है जो तेरा है कर्तव्य पथ। पथरीले से रस्ते होंगे, पथरीले से रस्ते होंगे, लहू पाँव में जो ला दें, शायद चलते चलते आंखों में भी आंसू आ जाएं। पर निश्चय कर दृढ़ तेरा है तो बात याद रख ऐ राही, तुझको उस पर चलना है जो तेरा है कर्तव्य पथ। विजय श्री के बिगुल बजेंगे, विजय श्री के बिगुल बजेंगे, विजय तुम्हारी होएगी, जय जयकार करेंगे वो सब जो तेरे हितकारी हैं। और सपने सच्चे होंगे माँ के, बस मन पर संयम रख कर चल, तुझको उस पर चलना है जो तेरा है कर्तव्य पथ। एक और है, मंजिल पे लिखी है मैंने कि मंजिल जब तक हासिल नहीं होती है रुकना नहीं चाहिए, उस पर ही है। क्या यही तुम्हारी मंजिल थी, क्या यही तुम्हारी मंजिल थी, क्या लक्ष्य यहीं पर ख़त्म हुए, क्या जीवन में कुछ पाने को कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। चौटिल चिड़िया भी उड़ती है, बढ़ता है घायल धावक भी, और सांसें जब तक बाकी हैं लड़ता है एक एक सैनिक भी। इस रेतीले से जीवन में, इस रेतीले से जीवन में घर खड़े रहोगे बनकर बुत, तुम मृग तृष्णा के भांति है सब, तुम कहोगे कुछ भी नहीं मिला। गहरे पानी में उतरन से, गहरे पानी में उतरने से मतलब, गहरे पानी में उतरन से मिलता है मोती वाला सीप और लक्ष्य विहीन से जीवन में आ जाती है मंजिल समीप। एक हम अब मैं शायरी एक करूंगा, तन्हा एक इंसान है जिसको उसका गिला शिकवा नहीं है, वो क्यों है सुनिएगा। गर आज हूँ मैं तन्हा इस बात का गिला नहीं, गर आज हूँ मैं तन्हा इस बात का गिला नहीं, कल भीड़ में था बैठा इस बात का है शिकवा। क्योंकि जो भीड़ में थे बैठे सबने नज़र चुराई, मेरे बुरे वक़्त में सबने नज़र बचाई। एक हाथ भी ना आया, एक हाथ भी ना आया, ऐ दोस्त मेरे सुन लो, हाँ आसरा छोड़ो उम्मीद मानने को, तो अगर आज हूँ मैं तन्हा इस बात का गिला नहीं, कल भीड़ में था बैठा इस बात का है शिकवा। एक और है, फिर तन्हाई फिर खामोशी फिर अकेला पाता हूँ, फिर तन्हाई फिर खामोशी फिर अकेला पाता हूँ, एक एक कदम बढ़ाने पर मैं तन्हा होता जाता हूँ। हाँ तन्हा होता जाता हूँ इस भीड़ भाड़ में हलचल में, हाँ तन्हा होता जाता हूँ इन गैरों में बेगानों में। तन्हाई का आलम है ये कि मुझको इससे प्यार हुआ, तन्हाई का आलम है ये कि मुझको इससे प्यार हुआ, खाली कमरे खाली दीवार खाली मन मेरा यार हुआ। क्या गुजरी, क्या गुजरी कल ये भूल गया, क्या होगा कल ये होश नहीं, क्या गुजरी कल ये भूल गया, क्या होगा कल ये होश नहीं, बस तन्हा दिल ढूंढे मंजिल जो मुझको ना हासिल ही हुई, पर हासिल क्या करना है मुझे इसका भी मुझको इल्म नहीं, खाली सड़कें खाली रस्ते खाली पन से दो चार हुआ। बस मुझको थे सब छोड़ चले, जब मुझको थे सब छोड़ चले, तन्हाई मेरे संग चली चुपके चुपके, ना जाने कब, ना जाने कब चुपके चुपके। अच्छा चलिए,
एक अच्छा चलिए मेरे पास और थे फिर भी एक सुनाता हूँ। कत्ल ही कर दो मेरा एक बार में फुर्सत मिले, कत्ल ही कर दो मेरा एक बार में फुर्सत मिले, यू कतरा कतरा मार कर जिंदा मुझे रखे हो क्यों। और एक लास्ट सुनाऊंगा फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि या तो सुधर जाएंगे या तो गुजर ही जाएंगे, या तो सुधर जाएंगे या तो गुजर ही जाएंगे, कब तक मेरे हालात मुझे यूं ही सताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं और सुनाऊंगा फिर आपको।